वेलकम टू माय चैनल आरडी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं अरुण आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। हमारा सर्विस सेंटर में आज एक नया प्रॉब्लम के साथ नया इंडक्शन आया है, जिसका प्रॉब्लम है स्टैंड बाई मोड पर चल रहा है। देखिए आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे पावर ऑन कर रहा हूँ, स्टैंड बाई रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑन भी हो रहा है। ये 1300 वाट में चला गया, और जब भी हम इसमें कोई पोर्ट वगैरह बैठाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये E9 का फॉल्ट दिखाता है। और ये टच सेंसिटिव इंडक्शन ओवन है, तो आइए इसे खोल कर देखते हैं इसे कैसे रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों, हमने इसका बोर्ड को ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद देख रहे हैं इस बोर्ड का कंडीशन बहुत ही अच्छा है, एकदम नया जैसा है। और यहाँ पर क्या देखना होगा, ये जो E9 का प्रॉब्लम है ये IGBT सेक्शन से आता है। तो हम क्या करेंगे, ये IGBT सेक्शन का जो वोल्टेजेस हैं, ये वोल्टेज को हम अच्छी तरह से देख लेंगे। तो पहले हम इसको लाइन ऑन कर देता हूँ, और हमारा जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का वोल्टेज हम 1000 वोल्ट पर सेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज है, ये इसका ये रेगुलेटर से, ये हमारा रेक्टिफायर सेक्शन है, जो ब्रिज रेक्टिफायर, और ब्रिज रेक्टिफायर का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा माइनस का हो गया, और ये पॉइंट हो गया प्लस का। तो यहाँ पर देखिए 337 वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब रेक्टिफायर सेक्शन काम कर रहा है। उसके बाद ये कॉइल से होकर यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर भी वोल्टेज है, और यहाँ पर एक जम्पर है, जम्पर से लेकर ये है, यहाँ पर भी 337 वोल्ट्स हो कर रहा है। और यहाँ से होकर ये कॉइल से घूम कर यहाँ पर फिर से आ रहा है, और यहाँ से आकर यहाँ से इस IGBT पर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ पर 337 वोल्टेज है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। इसका रेंज थोड़ा सा घटाकर देखते हैं, 20 वोल्ट रेंज पर सेट करके, तो क्योंकि हो सकता है बहुत ही कम वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर कोई भी वोल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं शो कर रहा है। तो ये हमारा एक दिक्कत आ गया दिखने में। तो पहले हम इसका पावर पॉट को खोल देते हैं, और खोलने के बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक 820K का रेजिस्टेंस है। तो पहले हम इस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, और पहले इसको खोल कर देखेंगे कि वैल्यू क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ये खोल लिया, खोलने के बाद मल्टीमीटर को हम 2000K रेंज पर सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद कभी भी आप जो हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस को कभी ऐसी तरह से चेक मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका हाथ का जो रेजिस्टेंस है, देखिए मैं दोनों उंगली से पकड़ा रखा हूँ, लेकिन वो रीडिंग दे रहा है। तो जब कभी भी आप कोई हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस चेक कर रहे होंगे, तो एक पॉइंट को आप हाथ से पकड़ लेंगे, और दूसरी पॉइंट को आप बिना हाथ लगाए ऐसे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई भी शो नहीं कर रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, हम एक नया रेजिस्टेंस लेते हैं, और नया रेजिस्टेंस हमारा यहाँ है, और इसको हम पहले ही लगा नहीं देंगे, पहले हम इसको चेक करेंगे कि सही है कि नहीं, कि हो सकता है नया रेजिस्टेंस भी ख़राब हो। हाँ, ये 820 किलो ओम का रेजिस्टर 799 800 का दिखा रहा है, तो इसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं होगा। तो इसे पहले हम लगा लेते हैं, लगाने के बाद देखते हैं प्रॉब्लम क्या होता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक नया 820K का रेजिस्टेंस लगा लिया।
इसे हम फिर से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद देखेंगे दिक्कत क्या आ रहा है। इसको हमने चला लिया, स्टैंड बाई मोड में है, तो स्टैंड बाई रिलीज़ करने के लिए ऑन बटन दबाया और ऑप्शन 1300 नहीं दोस्तों, ये ठीक नहीं हुआ, 39 एरर फिर से दिखा रहा है। तो इसका मतलब है इसमें और कोई दिक्कत है। तो आइए इसे देखते हैं फिर में आकर क्या दिक्कत हो सकता है। मेंस को ऑफ कर देते हैं, ऑफ करने के बाद देखते हैं ज़्यादातर क्या होता है। ये जो रेजिस्टेंस वगैरह है, ये रेजिस्टेंस ख़राब होने के वजह से ही ये दिक्कत आता है। तो पहले तो हम इस रेजिस्टेंस को चेंज कर लिया, फिर हम इस रेजिस्टेंस को देखेंगे, इस रेजिस्टेंस का दोनों तरफ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम फिर मेंस ऑन कर देंगे। मेंस ऑन करने के बाद मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट रेंज पर लग देंगे। रखने के बाद एक तरफ ये माइनस प्रोब लगा लिया, दूसरी तरफ यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है रेक्टिफायर से, ब्रिज रेक्टिफायर से। और ये हमारा ये हो गया 820 का रजिस्टर। 820 का रजिस्टर पर यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, 20 वोल्ट रेंज पर सेट कर देते हैं। एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर 1 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी रेजिस्टेंस ख़राब हो सकता है। तो इसे फिर से हम चेंज कर लेते हैं, चेंज करने के बाद देखते हैं। तो दोस्तों हमने ये 820 और पहले वाला ये जो है ये भी चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज क्या आ रहा है। मेंस को ऑन कर देते हैं। मेंस को ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए माइनस प्रोब को हम लगाते हैं, और यहाँ पर आपको मल्टीमीटर दिखाना भूल गया हम, तो माइनस प्रोब को यहाँ पर लगा लेते हैं और यहाँ पर प्लस प्रोब को। देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 0 वोल्ट पहले दिखा रहा था, और पहला वाला जो कनेक्शन है ये वाला भी पहले 0 वोल्ट आ रहा था। तो देखिए इसमें भी अभी 0.85 वोल्ट शो कर रहा है। दरअसल क्या है, ये जो दो रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस दो कॉइल का जो दोनों टर्मिनल है, ये टर्मिनल से माइक्रोकंट्रोलर पर जाता है। तो इसे क्या होता है, इसको पता चलता है कॉइल पर कोई लोड है कि नहीं। ये लोड जब नहीं रहता तो ये माइक्रोकंट्रोलर को बता देता है कि इसमें वोल्टेज डिफरेंस नहीं है। तो वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, इसके वजह से माइक्रोकंट्रोलर को पता चल जाता है कि इसमें कोई दिक्कत होगा, या फिर IGBT सेक्शन का कोई दिक्कत, या फिर IGBT ख़राब, या फिर सेंसर ख़राब, कोई भी हो सकता है दिक्कत। तो पहले हम इस दोनों को चेंज करके देख लेते हैं, फिर एक बार मेंस ऑन करके। स्टैंड बाई मोड पर है, अभी ऑन करते हैं और ऑप्शन भी देते हैं। अभी E9 का फॉल्ट नहीं आ रहा है, E0 का फॉल्ट आ गया। E0 का फॉल्ट जो है ये तो बटन दबने से ही सही हो सकता है, तो इसे पहले ठीक से बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इस पर बटन रख के देखते हैं कि ये E0 का फॉल्ट दरअसल कोई फॉल्ट है या फिर बटन की वजह से ही हो रहा है। तो दोस्तों हमने इसका टेम्पोरली सेट कर लिया है यहाँ पर, कि हमें देखना होगा गर्म हो रहा है कि नहीं बटन। तो स्टैंड बाई रिलीज कर रहा हूँ और ऑप्शन पे जा रहा हूँ। 1300 वोल्ट शो कर रहा है, 1300 वोल्ट का पहले E0 का कनेक्शन, E0 का फॉल्ट दिखा रहा है। तो अभी हम इसमें बटन रखेंगे। बटन रखने के बाद देखिए E0 का फॉल्ट चला गया और पानी भी गर्म होना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है हमारा जो इंडक्शन है ये एकदम सही हो गया है। तो इसका जो प्रॉब्लम था E9 का, इसका प्रॉब्लम यही था कि ये जो कॉइल का लोड सेंसर का जो दोनों रेजिस्टेंस है 820K का, ये रेजिस्टेंस ख़राब होने से ही ये E9 का फॉल्ट आ रहा था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि हमको इन्फ्लुएंस मिले और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।